तो नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से हमारी और नई वीडियो में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर प्ले स्टोर से किसी भी एप्लीकेशन को यहाँ पर आप इंस्टॉल करते हैं तो कुछ इस तरह का एरर देखने को मिल जाता है। यू कैन नॉट इंस्टॉल दिस ऐप बिकॉज एन अदर यूज हैज़ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इन कंफर्टेबल वर्जन ऑन द दिस डिवाइस। यानी कि यह एप्लीकेशन बोला कि आपकी ऑलरेडी दोस्तों यहाँ पर आपके इस वर्जन इस डिवाइस में अनस्टॉल है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अनस्टॉल होती तो दोस्तों यहाँ पर हम क्यों से इंस्टॉल करते हैं, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। जानने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना है और इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे आपको एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करना है, तो वीडियो को एक लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर ये एप्लीकेशन किस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपको अनइंस्टॉल करना है। हम मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर जैसा कि व्हाट्सअप है, और व्हाट्सअप आप पहले कभी आपने डाउनलोड किया था और उसका यूज़ किया और उसके बाद आपने उसे डिलीट कर दिया, तभी दोस्तों ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और उसमें एक मिस्टेक ये हो जाती है कि आप उस डाटा को उस एप्लीकेशन को डाटा के साथ सही डिलीट नहीं करते हैं। हमारी दूसरे यहाँ पर ये आपका बिजनेस व्हाट्सएप है, हम यहाँ पर अनइंस्टॉल ऐप के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये अगर ये बॉक्स को आप सेलेक्ट नहीं करते हैं तो ये यहाँ पर आपका डाटा जो है वो डिलीट नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अनइंस्टॉल कर देंगे तो यहाँ पर आपका पूरा डाटा डिलीट हो जाएगा और इससे आप कोई भी नए एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो वो वहाँ पर आपकी हो जाएगी। लेकिन आप इस तरह से अगर रिमूव कर देते हैं, जैसा कि यहाँ से रिमूव का वो भी ऑप्शन है, यहाँ पर रिमूव कर देते हैं तो आपकी एप्लीकेशन रिमूव हो जाएगी होम स्क्रीन से, लेकिन इसका जो डाटा आप यूज किए हैं वो डिलीट नहीं होता है। तो इसलिए दोस्तों आपको प्रॉब्लम्स वहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसी प्रकार से आपके साथ ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो अब आपको करना क्या है, आपको जब तक कि उस एप्लीकेशन को डाटा के साथ डिलीट नहीं करेंगे तब तक आप दूसरे एप्लीकेशन को यहाँ पर इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। तो अब आपको करना है कि यहाँ पर आपको प्ले स्टोर पर चले जाना है उस एप्लीकेशन को डिलीट करने के लिए। अब भैया यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल पर विजिट करना है और उसके बाद उसने यहाँ पर मैनेज ऐप डिवाइस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको मैनेज के ऑप्शन पर चले जाना है और यहाँ पर आपको इंस्टॉलर के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर नॉट इंस्टॉलर के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों वह एप्लीकेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी जो कि आप अपने यहाँ होम स्क्रीन से एप्लीकेशन को डिलीट कर दिए हैं और ऐप ड्रॉअर से भी एप्लीकेशन को डिलीट कर दिए हैं, लेकिन वो अभी डाटा के साथ अपनी आपकी एप्लीकेशन जो है वो प्ले स्टोर से डिलीट नहीं हुई, तो वो एप्लीकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी और इस तरह से सेलेक्ट करके आपको डिलीट का ऑप्शन दिख जाएगा। तो सिंपल सा आप उसको यहाँ से डिलीट कर दीजिएगा, देख सकते हैं जितने भी यहाँ पर एप्लीकेशन है उसको डिलीट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप डिलीट कर दीजिएगा और आप दोबारा से आप उस एप्लीकेशन को अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो आपका 100% डाउनलोड हो जाएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा।